हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जीरोक्स कंपनी की 5775 मॉडल में फोटोकॉपी कैसे होता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ। इसकी स्पीड है 1 मिनट में 90 कॉपी की, और इसकी कैपेसिटी है 5000 कॉपी। तो आप देख सकते हैं ये डिस्प्ले सिस्टम है, ये टच से काम करता है, आप देख सकते हैं। और ये स्कैनर है, यहीं पे स्कैन होता है। और आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे A4 साइज पेपर रखे हुए हूँ फोटोकॉपी करके दिखलाने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे A4 लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी देख सकते हैं A4। इसको हम फोटोकॉपी कैसे करेंगे, तो आइए हम बताते हैं आपको। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज क्वालिटी में जाने के बाद, अब यहाँ पर टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पर सेव कर देना है। सेव करने के बाद लाइट, डार्क, नॉर्मल, शार्पनेस, नॉर्मल, स्क्रीन ऑटो, इसमें जाने के बाद इसको शार्पनेस को फुल कर देना है। फुल करने के बाद सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पे ऑटो, शार्पनेस, कंट्रास्ट, इसमें जाना है। इसमें जाने के बाद इसको भी फुल कर देना है। फुल करने के बाद सेव कर देना है। सेव करने के बाद कॉपी में जाना है। कॉपी में जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं मोर लिखा हुआ है, मोर पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं A3, A4, 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 A3। तो आपको मैं बता देता हूँ, इसमें 4 ट्रे है, 1, 2, 3, 4। तो आप देख सकते हैं 1 नंबर ट्रे में A3 साइज पेपर रखा हुआ है, और 2 नंबर में देख सकते हैं A4 साइज लैंडस्केप में रखा हुआ है, और A3 खाली है अभी, इसमें कुछ नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं A4 साइज 4 नंबर में सीधा रखा हुआ है। तो आइए हम जानते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो मोर में जाने के बाद हमको यहाँ पे 4 नंबर पे सिलेक्ट करना है A4 साइज जो सीधा रखा हुआ है, इस पर सिलेक्ट करने के बाद सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं फोटो कॉपी अगर दोनों साइड करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं 1.2 है, 1.1 है। अगर सिंगल साइड है तो 1.1 में रहने दें, और 1.2 जो है दोनों साइड करने के लिए है। तो हमको दोनों साइड करना है तो 1.2 में सिलेक्ट कर देते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्ट बटन, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, अब देख सकते हैं ये स्कैन करेगा। ये सिंगल साइड स्कैन हो गया है। अब हम इसको पलट कर रखते हैं, अब स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, अब ये देख सकते हैं दूसरा स्कैन हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं, और ये फोटोकॉपी हो गया। हो गया फोटोकॉपी। चलिए अब हम आपको A4 साइज से ज़्यादा बड़ा पेपर है उस पर करके भी दिखला देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये A4 साइज से ज़्यादा बड़ा पेपर है, मैं इसको जोड़ के बना दिया हूँ A4 साइज से ज़्यादा बड़ा। तो A4 साइज से बड़ा है, ज़्यादा बड़ा है, तो इसे इस तरह से नहीं आ पाएगा सीधा। तो हमको इस तरह से रखना है। इस तरह से रखने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं A4 साइज जो है, A4 साइज से ये काफ़ी बड़ा है, तो हम इसको लगभग 20% कम कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 पे है, 100 है, 100, इसको हम 80% कर देते हैं, 20% कम, 20% कर दिए हैं। 20% करने के बाद इस मोर में जाना है, और हमको A4 साइज जो है लैंडस्केप में 2 नंबर ट्रे में रखा हुआ है, इस पर सिलेक्ट कर देना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप देख सकते हैं ये जो है सिंगल साइड फोटोकॉपी करना है, तो हम इसको, तो हमको सिंगल साइड करना है। देख सकते हैं सिंगल साइड करने के बाद जो है, सिंगल साइड है तो यहीं पे 1.1 में सिलेक्ट करके आपको इसको ढक करके स्कैन कर देना है, और ये फोटोकॉपी हो जाएगा। तो स्टार्ट बटन पर क्लिक कर दें, और ये देख सकते हैं यहाँ पे स्कैनिंग हो रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं
ये जो है A4 साइज से मैंने छोटा करके इसे निकाल दिया। तो इसे ही इसी तरह से फोटोकॉपी इस मशीन में होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।